सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। लुधियाना विच एक होर शिवसेना आगू के घर से पेट्रोल बंब सुटिया गया। देर शिवसेना आगू हरकीरत सिंह खुराना के घर से पेट्रोल बंब सुटिया गया। इस सारी घटना नेड़े लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। इस विच एक मोटरसाइकिल ते आए तीन नौजवान कच की बोतल में पेट्रोल भर के घर से सुटते नजर आ रहे हैं। जानकारी मुताबिक शिवसेना हिंद सिख विंग के कौमी प्रधान हरकीरत सिंह के घर से देर रात पेट्रोल बंब नाल हमला किया गया। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई। नवी सरकार दे सौं चुकण तो बाद वापरी अतवादी दी घटनावां तो बाद जिथे जम्मू कश्मीर च अलर्ट जारी, उथे एक होर दुखदाई घटना सामने। यह घटना बडगाम जिले के मागाम च वापरी। अतवादी ने उत्तर प्रदेश के दो प्रवासी मजदूरों नूं निशाना बनाया। अतवादियों दीआं गोलियां नाल जख्मी होए वर्करां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया। दोवें मजदूर यूपी के रहण वाले ने। उन्हां दे नां संजय ते उस्मान ने। प्रवासी मजदूरों ते हमले तो बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी मुहिम शुरू की। पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में प्रवासियों नूं बनाउण दी इह तीजी। वादी ठंड के मद्देनजर पंजाब सरकार ने स्कूलों के समय च तब्दीली कर दी है। पंजाब के सरकारी निजी सहायता प्राप्त से मानता प्राप्त स्कूलों का समा 1 नवंबर तो बदल गया। दिवाली हफ्ता होने कारण वीरवार 31 अक्तूबर तो एतवार 3 नवंबर तक छुट्टियां होने के चलदियां पंजाब के सारे स्कूल 4 नवंबर यानी कि सोमवार को सवेरे 9 बजे खुलेंगे तो दोपहर 3 बजे बंद होंगे। इस संबंधी सिख्या विभाग वालों हुक्म जारी कर दिए गए हैं। पंजाब भर 19,000 तो वध स्कूल ने जिन्हों के उपरोक्त हुक्म लागू हो। शंभू बॉर्डर तो मनभागी खबर सामने है। दरअसल पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर से चल रहे किसान मोर्चे दौरान एक किसान की मौत हो गई है। मृतक किसान आगू की पछाण बलविंदर सिंह वजों हुई है जो कि मोगा के रहने वाले सन। बलविंदर सिंह को दिल का दौरा पैण मगरों सेहत बिगड़न तो बाद इलाज लिए हस्पताल च भर्ती करवाया गया जिथे कि उन्होंने मौत हो गई। बलविंदर सिंह 3 एकड़ जमीन का मालिक से तो शंभू सरहद से चल रहे किसान अंदोलन च डटे हुए सन। मौत की खबर सुनते ही उन्होंने परिवार के पिंड सोग की लहर दौड़ गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नकेल कसन दी कोशिशों हुलारा देने यूएस अधिकारियों ने मुंबई पुलिस में लॉरेंस के छोटे भरा अनमोल बिश्नोई की उन्होंने देश में मौजूदगी बारे सूचित किया। इस तो बाद मुंबई पुलिस ने उसकी हवालगी की प्रक्रिया शुरू की है। अपराध शाखा ने इस पिछले महीने इतने एक विशेष अदालत में भी पहुंच की। अपनी रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा गया कि 16 अक्टूबर मुंबई पुलिस ने अदालत में पेश होकर दसिया कि वह सलमान खान के घर गोलीबारी के मामले में अनमोल की हवालगी की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। लॉरेंस के नाम सलाखों पिछे अप्रैल से सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी सने कई होर वड्डियां कार्रवाइयां अनमोल द्वारा अंजाम देने का दोष है। कनेडा की खुफिया एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैबलिशमेंट ने भारत को खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में शामिल किया। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक यह पहली बार जो कनेडा सरकार की सूची में भारत का नाम सामने आया। दरअसल सीएससी के साइबर विभाग ने 31 अक्तूबर को रिपोर्ट जारी की। इस विच उन्होंने देशों के नाम शामिल ने जो 2025-26 खतरा पैदा कर सकते। सूची चीन, रूस, ईरान से उत्तरी कोरिया तो बाद भारत को 5वें स्थान पर रखा गया। सूची कनेडा सरकार की अधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है। इस समय पूरे देश में दिवाली लेकर भारी उत्साह है। इस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया से एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो जो पेंटर के घुमियारों नाल गल करते नजर आ रहे हैं। इस तों इलावा उन्होंने काम करते भी नजर आए। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने नाल दिवाली जिन्हों की मेहनत ने भारत का नाम रोशन किया। भारत 30 सब तो वध टीबी प्रभावित देशों में इलाज कवरेज के मामले में सिखर से है। गल विश्व सेहत संगठन WHO की ताज़ा रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट किया गया कि भारत उन्हें 7 देशों शामिल है जिथे 2023 80% तो वध इलाज कवरेज उपलब्ध है। इन देशों ब्राज़ील, मोजाम्बिक, पापुआ न्यू गिनी, सियोरा लियोन, युगांडा, जॉम्बिया भी शामिल है। इस तों इलावा भारत में टीबी के मरीजों के परिवारक मैंबर HIV पॉजिटिव लोगों की रोकथाम इलाजों की गिनती में महत्वपूर्ण वाधा दर्ज किया। गायक दिलजीत दोसांझ चार्टर प्लेन राही जयपुर पहुंचे ने। दिलजीत 3 दिन अपनी टीम नाल एक निजी होटल में रुकणगे। पंजाब पुलिस नाल अपनी निजी सुरक्षा दरमियान मुंबई तो विशेष उड़ान राही जयपुर हवाई अड्डे ते पहुंचे ने। दिलजीत जयपुर च एक शो च शिरकत करेंगे। दिलजीत का कंसर्ट 3 नवंबर जयपुर च होने जा रही है। दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट दीआं टिकटां दी ऑनलाइन बिक्री लैके विवाद चल रहे। हवा महल तो भाजपा विधायक बाल मुकुंद चारिया ने दिलजीत दोसांझ के संगीत समारोह लैके विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अजिहे बेतुके प्रोग्रामों की योजना समाज में कोई लाभ नहीं होने वाला। भाजपा विधायक ने इस समारोह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सनातन के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं एक सनातनी हाँ, मेरा मानना है कि भजन सत्संग करो, सत्संग चंगे शब्द मिले, अजिहे प्रोग्राम तो समाज में कोई लाभ नहीं होने वाला।
भाजपा विधायक दविंदर सिंह राणा जिन्हों अक्सर जम्मू की आवाज कहा जाता है लंघी रात देहांत हो गया जिन्हों की अंतिम यात्रा मौके वड्डी गिणती च लोग शामिल होए उगे कारोबारी ते सियासी आगू सन राणा का हरियाणा के फरीदाबाद स्थित हस्पताल च देहांत होया हो 59 वरिया के सन कुछ दिनों तो बीमार सन उन्होंने परिवार च पत्नी तो इलावा दो धियां ते इक पुत्त है जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा हल्के तो विधायक सन और साबका नौकरशाह राजेंद्र सिंह राणा के पुत्ते प्रधानमंत्री दफ्तर च केंद्रीय राज मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भरा सन। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।